तो हमने देखा कि अब जो हमारा पेरियोस्टियम है ये बन चुका है, और पेरियोस्टियम बनने के बाद जितने भी ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, डेड कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, हमारे ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी दौरान हमारा जो पेरियोस्टियम है उसी दौरान इसके जो हमारा जो हायलैंड कार्टिलेज था ये यहाँ बन चुका है हमारा ये पेरियोस्टियम। ठीक है, पेरियोस्टियम बन चुका है। और पेरियोस्टियम क्या करता है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके समझते हैं, ये अरेज कर दूँ। ठीक है, ओके, ठीक है जी, इसको अरेज कर देते हैं, यहीं पर समझेंगे हम जो है क्या चल रहा है। अभी तक हमने देखा कि कैसे जो हमारा कैल्शियम मैट्रिक्स फॉर्मेशन है, कैल्सिफिकेशन हो रही है, इसको आपने अलग रखना है। ठीक है, दिमाग में अलग रखना है। तो यहाँ पे पेरियोस्टियम बन चुका है। ठीक है जी, अब ये जो हमारा पेरियोस्टियम है ओके, यहाँ पे सख्त हो चुका है, कैल्सिफिकेशन हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा जो पेरियोस्टियम है अंदर की तरफ बड बना रहा है, अंदर की तरफ जो है यहाँ पे बड बना रहा है। ठीक है, जितना भी आसपास ब्लड वेसल्स का नेटवर्क था वो अब इस बड के थ्रू, पेरियोस्टियम बड के थ्रू, कौन सी बड, ठीक है, बड बना रहा है, इसका नाम है पेरियोस्टियम बड के थ्रू हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो अंदर जा रही है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई अंदर जा रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा एरिया है इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है बड फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसमें हमारी ब्लड सप्लाई भी एंटर कर चुकी है, न्यूट्रिएंट आर्टरी की ब्रांच यहाँ पे एंटर कर चुकी है। ठीक है जी, एंटर कर लिया यहाँ पे, और अब जो हमारे वो है ऑस्टियोब्लास्ट सेल हैं, यहाँ पे पड़े हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। बड एंटर करने के बाद जो हमारे डेड कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो अरियोला पार्ट में जो है ब्लड सप्लाई एंटर करती है। ठीक है, यहाँ पे पड़े हैं हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है जी, इसके अंदर जो हमारी अब ये स्पेस बची है, मैट्रिक्स अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस बची है उसको बोलते हैं हमारा यहाँ पे अरियोलर स्पेस है। यहाँ पे जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो एंटर कर चुकी है। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पे हमारे ऑस्टियोब्लास्ट आ रहे हैं और ज़्यादा। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट आ रहे हैं एंड आ रहे हैं साथ में ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो हैं ये बोन को रीअब्सॉर्ब करने में जो हैं हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम को जो है रिमूव करने का काम करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं ये होते क्या हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की जो शेप है वो ऐसे होती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की जो शेप है वो ऐसे है। ठीक है, काफ़ी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल हमारे मैक्रोफेजेस प्लस मोनोसाइट्स के हमारे संयोग से बनते हैं, इनको मिला के बनते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैल्शियम के सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट के एक्स्ट्रा ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स को फेजोसाइटोसिस कर देते हैं। ठीक है, फेजोसाइटोसिस जो है वो कर देते हैं। तो हमने देखा कि ब्लड वेसल अंदर एंटर कर रही है बड के थ्रू। ठीक है जी, बड के थ्रू एंटर कर रही है और यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आ रहे हैं, साथ ही में कैल्शियम भी आ रहा है, मैट्रिक्स भी आ रहा है, और एक्स्ट्रा जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट हैं उनको कौन रिमूव कर रहा है, उनको रिमूव कर रहे हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट, सो दैट जो बैलेंस है वो यहाँ पे बना रहे, ये ना हो कि बोन के अंदर फीटल लाइफ में ही ज़्यादा हमारा जो है कैल्सिफिकेशन हो जाए,
ज़्यादा कैल्सिफिकेशन हो जाए, ज़्यादा मैट्रिक्स जो है वहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे जो है हमारी बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, कौन से बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, और बोन को ख़त्म करने वाले, डैमेज करने वाले सेल्स कौन से हैं, ऑस्टियोक्लास्ट। तो आपने इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझना है। मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स को मिला के बनते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। अब इस एरिया को जहाँ पे हमारा ब्लड सप्लाई एंटर कर रही है, इस एरिया को, ठीक है जी, दिस एरिया यहाँ पे ब्लड सप्लाई एंटर कर रही है, इस एरिया को बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी, कौन सा, यस, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, या फिर प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन इसको बोलते हैं। तो ये बना हमारा सबसे पहला प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारी बोन फॉर्मेशन है, हायलैंड कार्टिलेज से कम स्टार्ट हुआ, मैट्रिक्स आया, हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट आए, ठीक है, और हमने देखा कि कैसे बड बनते हुए ब्लड सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस पॉइंट को बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मींस, ऑसी का मतलब ओ डबल एस, ऑस का मतलब यहाँ पे है बोन, रिलेटेड टू बोन। ये कौन से वीक में स्टार्ट हो जाता है काम, 8th week ऑफ प्रेगनेंसी में। तो हमने देखा कि कैसे हमारा हायलैंड कार्टिलेज, ठीक है, उसके अंदर बन रहे हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर, देन कॉन्ड्रोसाइट्स आगे क्या सिक्रीट कर रही हैं, मैट्रिक्स के साथ आके जुड़ रहा है कैल्शियम, ठीक है जी, कैल्शियम जो है कॉन्ड्रोसाइट्स को, अब ब्लड सप्लाई नहीं बनी तो कॉन्ड्रोसाइट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में। तो ऑस्टियोब्लास्ट बनते ही यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, पेरिकॉन्ड्रियम है, ये वाला जो पार्ट है पेरिकॉन्ड्रियम, ये पेरिओस्टियम में चेंज हो गया। अब पेरिओस्टियम से जो एक बड है वो आगे निकल रही है, और बड के हेल्प के साथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल अंदर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ओके। तो हमने देखा कि कैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी आपके साथ, ठीक है, ओके जी। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो है प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बन चुका है। अब क्या होगा आगे की गेम क्या है, प्राइमरी सेंटर बनने के बाद यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी सेंटर है, ये जो हमारे, ओके, दिस इज हायलैंड कार्टिलेज, ओके जी, हायलैंड कार्टिलेज, यहाँ पे पेरिओस्टियम बन चुका है, बड फॉर्मेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट पड़े हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट पड़े हैं, ये क्या करेंगे इसके बाद, ये लॉन्ग यूनिट्स बना लेंगे, ठीक है, लॉन्ग ऐसे यूनिट्स बना लेंगे, ठीक है जी, लॉन्ग यूनिट्स बना लेंगे, बड यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, लॉन्ग यूनिट्स बना रहे हैं, ओके। तो अब ब्लड सप्लाई आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे आ रही है, और ब्लड सप्लाई इन सेल्स तक जाना शुरू हो जाती है, इन सेल्स तक जाना ब्लड सप्लाई जो है शुरू हो जाती है ऑस्टियोब्लास्ट तक, और ये जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये मर्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। हमने देखा कि पहले छोटे थे, अब ये बड़े साइज़ के हो चुके हैं, ठीक है। हमने देखा कि जैसे ही ब्लड सप्लाई मिलती है ये बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर आके ऐसे चिपक जाते हैं, ऑस्टियोसाइट क्या करते हैं, ऑस्टियोसाइट हमारे, ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये जो हैं हमारे, कौन है जी, ये हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट, तो ऑस्टियोक्लास्ट इनके ऊपर ऐसे आके ऐसे चिपक जाते हैं, और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा, ये है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ये है ऑस्टियोक्लास्ट,
ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स है, जितना भी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स है, ये धीरे धीरे ऑस्टियोक्लास्टिस को खा जाते हैं, फेजोसाइटोसिस करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फेजोसाइटोसिस करते हुए ऑस्टियोक्लास्टिस को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगी, यहाँ पे इसके कारण, ठीक है जी, इसके कारण क्या बन रही है यहाँ पे, अभी यहाँ पे बनेगी एक मैरो, ठीक है, कैविटी बन जाएगी, खाली कैविटी बन जाएगी। जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो यहाँ पे साइड पे माइग्रेट कर जाते हैं, साइड पे माइग्रेट कर जाते हैं। इनको ब्लड सप्लाई अभी भी मिल रही है, ठीक है, इनको ब्लड सप्लाई ब्लड के हेल्प के साथ अभी भी मिल रही है, बट सेंटर पार्ट में क्या बन जाती है, बोन मैरो कैविटी। यस, बोन मैरो कैविटी। तो ये सारा बन कैसे जाता है? एक्चुअली यहाँ पे जितने भी जीन्स काम कर रहे हैं इन सेल्स के बीच में, जितने भी जीन्स काम कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड, दे आर ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड कि आपने मैट्रिक्स को डैमेज करना है, आपने मैट्रिक्स बनाना है, क्लास्ट डैमेज करेंगे और यहाँ पे बनेंगी बोन मैरो। ठीक है, और ये जो साइड पे ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ये बनाएंगे यहाँ पे हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। सेंटर पार्ट में मैरो है, बोन मैरो, और यहाँ पे बन रही है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोला जाता है ट्रेबिकुले, जिनको बोला जाता है ट्रेबिकुले, लैक्यूने। लैक्यूने के बीच में हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बन गया ट्रेबिकुले, ठीक है, ट्रेबिकुले। सेंटर पार्ट में प्रेजेंट है बोन मैरो और अभी भी यहाँ पे बड जो है वो प्रेजेंट है, बड इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। ठीक है जी, तो हमने देखा कि कैसे ब्लड सप्लाई आ रही है, बड यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ब्लड सप्लाई आ रही है बोन के अंदर। ओके, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो साइड पे हो जाते हैं और सेंटर में बन जाती है बोन मैरो कैविटी। एंड यहाँ पे जो ट्रेबिकुले हैं उनके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल एक स्ट्रक्चर को बाहर लेके आते हैं, उनके अंदर यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं बेचारे। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल ट्रैप हो जाते हैं लैकिनों के बीच में और मैट्रिक्स के बीच में। ठीक है जी, अब ये ऑस्टियोब्लास्ट बनाएंगे कौन से सेल, हमारे ऑस्टियोसाइट। वेरी राइट, अब ये पहली बार हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं क्या बना रहे हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स बना रहे हैं। अब ये सारी लाइफ हमारे ऑस्टियोसाइट सेल्स बोन को कैल्सीफाइड करके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। तो हमने देखा कि हमारी जर्नी हायलिन कार्टिलेज से स्टार्ट होके ऑस्टियोसाइट्स फॉर्मेशन तक जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। शुड वी कंटिन्यू? ओके, तो हमने यहाँ तक देखा कि कैसे जो ट्रेबिकुले फॉर्मेशन है और ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं हमारे हनी कॉम्ब्लेक्स स्ट्रक्चर लैक्यूना, और जिसको हमने जो है लैक्यूना बोला है, वहाँ पे फंस गए हैं और ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने अभी तक जो चर्चा की है, अभी तक जो हमने डिस्कशन की है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने डायाफाइसिस की है। ठीक है, भी डायाफाइसिस जो है वो कैसे बन रहा है, डायाफाइसिस। तो अब दिमाग में आपके ये क्वेश्चन आएगा कि हमारा एपीफाइसिस जो पार्ट है ऑफ दी बोन, लॉन्ग बोन एपीफाइसिस, ये वाला हिस्सा कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि सबसे पहले डायाफाइसिस बन रहा है, उसके बाद एपीफाइसिस बनता है। एपीफाइसिस का कंप्लीट तौर पे बनना आफ्टर दी बर्थ तक चलता है, और एपिफाइसिस कम्प्लीटली आफ्टर बर्थ जो है कम्प्लीट होता है। यहाँ पे भी हमारा सेम प्रोसेस है जो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था, सेम प्रोसेस जो जहाँ तक हमने डिस्कस किया है कि सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट एंड देन बड फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमारी प्रेजेंस ऑफ ब्लड नेटवर्क जो है
ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट हो जाते हैं और यहाँ पे सेल का माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद एपिफाइजियल प्लेट यहाँ पे बन जाती है। तो 18 से लेके 22 साल तक डिफरेंट लॉन्ग बोन्स जो हैं वो एपिफाइसियल प्लेट जो है अपनी कंप्लीट कर लेती हैं, डायाफाइसिस कंप्लीट हो जाता है और एपिफाइसिस भी यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे लॉन्ग बोन में हमारा डायाफाइसिस बन रहा है एंड एपिफाइसियल प्लेट बनती हुई कंप्लीट हो जाती है और 18 से 22 साल के बाद हमारी जो एपिफाइसियल प्लेट है वहाँ पे एपिफाइसियल जो लाइन है 18 से 22 साल के बाद एपिफाइसियल लाइन ए नाम का एपिफाइजियल नाम का लैंडमार्क एक निशान रह जाता है, एपिफाइजियल लाइन इसको बोलते हैं, ये रह जाता है और हमारा जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट सेल्स हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेसेनकाइमल सेल्स, इतना हमने लंबा चक्कर डाला, मेसेनकाइमल सेल्स खुद ही डायरेक्टली बोन फॉर्मेशन क्यों नहीं कर देते? तो मेसेनकाइमल सेल्स खुद बोन फॉर्मेशन इसलिए नहीं करते बिकॉज मेसेनकाइमल सेल्स के साथ हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। हमें यहाँ पे हाइट बढ़ानी है, ग्रोथ फैक्टर्स हमारा जो है ग्रोथ हार्मोन विटामिन डी और जो है हमारा थायराइड हार्मोन्स हैं वो मेसेनकाइमल सेल्स के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करते। सो हमने देखा कि कैसे जो है लॉन्ग बोन फॉर्मेशन हो रही है जिसमें डायाफाइसिस एपिफाइसिस फॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ दी लॉन्ग बोन अंडर दी एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। This was all about the long bone formation, हम कह सकते हैं। If you have any doubt, any query regarding the formation of the long bone, तो आपने इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखना है। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनको आपने थोड़ा सा रिपीट पे देखना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, सेल्फ डायग्राम को कॉपी करना होता है। जैसे जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ आपने उसको कॉपी करके थोड़ा सा समझना होता है। एक बार ये वीडियो 2-3 बार आपने देख ली, प्रोसेस को समझ लिया, बुक को फॉलो कर लिया, उसके बाद ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग बोन आपके दिमाग में पक्की तरह अच्छी तरह जो है फिट हो जाएगा और आप इसको कभी भी भूलोगे नहीं। हो सकता है आप इसका हो सके तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चंस के अंडर एग्जामिनेशन डिमांड लेंथी आंसर विद डायग्राम्स विद प्रोसेस, तो आपने इसके ऊपर जो है पूरा फोकस करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी लॉन्ग बोन फॉर्मेशन।